नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल हिंदी न्यूज। जज लोया केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस बेनकाब, सीएम रघुवर दास। जमशेदपुर सीबीआई के जज लोया के मामले में गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस ही वह अदृश्य राजनीतिक शक्ति है जिसने इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत को स्वाभाविक मौत करार दिया है। ये फैसला कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। यह बातें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोनारी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को फंसाने की साजिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेनकाब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने वालों पर जो सवाल उठाया है उससे साफ है कि यह एक राजनीतिक साजिश थी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो भी केंद्र की यूपीए सरकार उन्हें और अमित शाह को झूठे केस में फंसा कर चरित्र हनन का काम करती रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि लोकतंत्र में लड़ाई जनता के बीच होती है, इसमें न्यायपालिका का गलत इस्तेमाल कर किसी का चरित्र हनन करना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पैर के बीच से उखड़ चुके हैं, इसलिए वह मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चरित्र पर कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तीन दस्तों की सफाई के बाद नक्सल मुक्त होगा सूबा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार प्रदेश को उग्रवाद और अपराध मुक्त बनाने के काम में लगी हुई है। साल 2018 के अंत तक प्रदेश को उग्रवाद और अपराध मुक्त बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी नक्सलियों के तीन छोटे छोटे दस्ते मौजूद हैं। उनके सफाए के बाद प्रदेश उग्रवाद मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार दिन पहले सारंडा इलाके में नक्सलियों को घेरा गया, नक्सली भाग गए हैं। पुलिस बल सीआरपीएफ और कोबरा के जवान उनकी घेराबंदी में लगे हुए हैं। पलामू में भी एक छोटा दस्ता काम कर रहा है, जल्द ही इन सब का सफाया किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वैध बस्तियों में बसे सभी व्यक्तियों लीज बंदोबस्त दिया जाएगा। अभी 1 जनवरी 1985 से पहले से बसे लोगों को लीज बंदोबस्त दिया जा रहा है। जो लोग 1 जनवरी 1985 से बाद में बसे हैं, उन्हें भी बसावट का 30 साल पूर्ण होने पर लीज बंदोबस्त मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बस्ती में 25 साल से बसा है तो उसका 5 साल पूरा होने के बाद उसे लीज बंदोबस्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह बुधवार को सूर्य मंदिर में बैठे हुए थे, तभी एक शख्स पहुंचा। उसका रेंट 1,96,000 रुपया हुआ जिसने उसे जमा किया। सीएम ने कहा कि जनता के सामने बस्ती में बसे होने के साक्ष्य की कोई समस्या नहीं है, जनता को 13 साल की छूट दी गई है। राजस्व सरकार राजस्व शाखा ने भी लोगों के को एक पर्ची दी है जिसमें उसके अनधिकृत कब्जे का जिक्र है। यह पर्ची भी साक्ष्य के तौर पर पेश की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के बिरसा नगर आदि इलाके में लीज बंदोबस्त कैंप के सफल होने के बाद के राज्य के अन्य जिलों में भी कैंप लगाए जाएंगे। मोमेंटम झारखंड का अगला चरण 27 को देवघर में। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि मोमेंटम ग्लोबल झारखंड का अगला रन देवघर में 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें फूड प्रोसेसिंग गारमेंट्स के अलावा अन्य उद्योग निवेश करेंगे। यह उद्योग संथाल परगना के दुमका के अलावा देवघर में खोले जाएंगे। इस मोमेंटम झारखंड में कितने अरब रुपए का निवेश होगा इस बात का पता 27 अप्रैल को ही चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोमेंटम झारखंड से प्रदेश को काफी लाभ हुआ है, इसकी छवि सुधरी है। अब 3.25 करोड़ जनता गर्व से कह सकती है कि वह झारखंडी है। 70 साल से प्राकृतिक संसाधनों की रॉयल्टी का फायदा गरीब को नहीं मिल रहा था, अब लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही राजस्व भी आएगा। 400 करोड़ रुपए से होगी एनएच की मरम्मत। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से 400 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है।
इस रकम से जल्द ही एनएच 33 का निर्माण शुरू होगा। एनएच 33 की कई लिंक रोड भी छूट गई है, उसका भी निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम में एयरपोर्ट जरूर बनेगा, एयरपोर्ट के मसले पर कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, यह तकनीकी मामला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हरी झंडी मिलते ही हवाई अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।